मंगलौर में एक व्यक्ति जो भाजपा से जुड़ा हुआ है, जियो के नाम पर लोगों से पैसे ले रहा था। कुछ लोग जो वीएचपी और बजरंग दल से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कंप्लेंट करी कि 17.5 लाख रुपए लिए गए हैं उनसे। भारतीय जनता पार्टी के हरिद्वार एरिया के जो नेता हैं, वे पहुंच गए पुलिस वाले के यहाँ, दबाव डाला कि उसे छोड़ दे। आपस में गर्मा गर्मी हुई और उसके बाद ट्रांसफर हो गया वहां के अधिकारी। भारतीय जनता पार्टी किसी से नहीं बनती, घर में नहीं बनती भाई। इसीलिए तो कोई घर से भाग जाता है, कोई पत्नी छोड़ देता है, कोई कुछ कर देता है। आप जानते हैं, परिवार से कोई लेना देना नहीं, इन्हें तो लेना देना है स्वयं से। अच्छे अच्छे कपड़े पहन ले, महंगे महंगे बैग ले ले, अच्छे अच्छे महंगे महंगे शॉल ओढ़ ले, अच्छे अच्छे चश्मे और पेन भी। 35 साल भिक्षा मांगेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, मगर पेन तो पाका पेन होना चाहिए ना, महंगे से महंगा पेन होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं? मगर अपने लोगों से इनकी किसी की नहीं बनती। चेहरे पे हमेशा देखा है कैसी कैसा एक्सप्रेशन रहता है इनके, और वही एक्सप्रेशन अब दिख रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब लोगों के विरोध को संभाल नहीं पा रही है। जितना भ्रमित कर सकते थे कर चुके, अब कोई भ्रमित हो नहीं रहा। धर्म के नाम पे क्या, धर्म के नाम पे जिन लोगों को भ्रमित किया वही लोग इनके विरुद्ध खड़े हैं। आइए देखिए चार धामों में क्या हो रहा है। पंडा पुरोहित सरकार के विरुद्ध खड़े हैं क्योंकि ये उनके मंदिरों पर कब्जा करना चाहते हैं। राष्ट्रवाद के नाम पे देख लीजिए, आपने देखा कि गलवान घाटी में क्या हुआ, बेशर्मों को शर्म नहीं आती। ये देखिए कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर इन्होंने वोट मांगा। आज एक चैनल पर एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बेशर्मी से कहा कि 70 सालों में हमने सैनिकों का सम्मान नहीं किया। ये बेशर्मी नहीं तो क्या है, ये राष्ट्रवादी है, ये झूठे हैं, ये मक्कार हैं, और इन्हें तो सत्ता से बाहर निकालना ही है। अब देखिए इनके घर की बात, इनके अपने विश्व हिंदू परिषद वाले, बजरंग दल वाले आज मंगलौर में दिख रहे हैं आमने सामने। एक तरफ भाजपा, दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल। ऐसे हैं भाजपाई, इनका भरोसा ना करिएगा, इन्हें सत्ता से उखाड़ कर फेंक दीजिएगा। ठीक वैसे ही जैसे बंगाल के लोग भ्रमित नहीं हुए, क्योंकि वे जानते हैं कि ये झूठे और मक्कार है। इनसे रहें सावधान, और अब की बार नहीं चाहिए ऐसी मक्कारों की, झूठों की सरकार।